भेड़िया और सात बकरी के बच्चे। एक दफा का जिक्र है, एक भेड़िया जो कि हमेशा भूखा रहता था, वो बहुत खाना खाता था लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता था। मुझे फिर भूख लगी है। तो वो दिन रात जंगल में अपना खाना ढूंढता रहता था। एक दिन भूखे भेड़िये ने एक घर देखा। वो घर में झांकने लगा और जब वो करीब आया तो उसने पेड़ों के बीच में से देखा एक बकरी और उसके सात बच्चे इस घर में रहते हैं। ये तो मेरे पूरे हफ्ते का खाना है। भूखे भेड़िये ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह के वक्त बकरी अपने सात बच्चों को अलविदा कहने वाली थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बहुत ख्याल से रहना और अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी। बकरी मार्केट के लिए अपने घर से निकल गई। और तभी भेड़िया ये सब चुपके चुपके देख रहा था और वो पेड़ के पीछे से निकला। लेकिन बकरी के बच्चों को धोखा देना आसान बात नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका इनको खाने का है कि अपना भेष बदल लो। भेड़िया ने सबसे पहले पुराने कपड़े पहने, उसने अपने कान नीचे किए और उसने पेड़ की मदद से अपने नकली सींग लगाए। फिर उसने अपने पैर आटे से भर लिए और उसने एक जगह से एप्पल पाई चुरा लिया। और मैं अपनी आवाज कभी चेंज कर लूंगा, उनकी दादी माँ की जैसी आवाज बनाऊंगा। भेड़िया बकरी के घर पे आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उनमें से एक तो दरवाजा खोलने ही वाली थी लेकिन दूसरों ने उसे रोका। रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए कि बाहर कौन है। कौन है? ये मैं हूँ प्यारी बच्चियों, तुम्हारी दादी। मैं तुम्हें पार्क ले जाने आई हूँ। हमारी दादियाँ मां तो बहुत दूर रहती हैं। तुम वो नहीं हो सकती। ओह, ये बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ मैं। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो और पार्क चलते हैं। सारे बकरी के बच्चे नीचे झुके और दरवाजे के नीचे से पैर देखने लगे। देखो, उसके पैर तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। हाँ, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े हैं, बिल्कुल भेड़िये की तरह। जब बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िये ने उन्हें एप्पल पाई की खुशबू सुंघाई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए कितने अच्छे एप्पल पाई बनाकर भी लाई हूँ, जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। बकरी के बच्चों ने खुशबू सूंघी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी नहीं समझ पाया कि वो एक भेड़िया है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। चले दादी अम्मी, जल्दी से पार्क चलते हैं। हम वापस आकर एप्पल पाई खाएंगे। बकरी के बच्चे और भेड़िया चलने लगे। बहुत भूख लग रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा। जब भेड़िया चल रहा था तो उसके कपड़े पेड़ की टहनी में अटक गए। भेड़िये के कपड़े उतर गए और बकरी के बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने भेड़िये को देखा, ये भेड़िया आया है, भागो, 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 ये भेड़िया आया है, भागो, भागो, भागो। जब भेड़िया समझ चुका था कि वो पकड़ा गया है तो वो वापस पहले जैसा बन गया और वो बकरी के बच्चों को पकड़ने लगा। उसने एक एक कर कर सारे बच्चों को पकड़ लिया।
उनमें से सिर्फ एक बच गया और वो वहां से भाग गया। भेड़िये ने 6 बकरी के बच्चों को अगवा किया और अपने घर ले गया। वो बकरी का बच्चा जो बच गया था अपनी अम्मी को सब बताना चाहता था। दूसरी तरफ बकरी अपने हाथ में एक बास्केट लेके जिसके अंदर फल और सब्जियां थी, घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से घर में गई लेकिन उसको अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे प्यारे बच्चे, हाँ। बकरी बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली गई। उसने देखा जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान थे। अरे नहीं, ये पैर के निशान तो भेड़िए के हैं। उसने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया लेकिन आगे जाकर वो सब मिट चुके थे। अब मैं क्या करूंगी? भेड़िया मेरे बच्चों को ले गया है। जब बकरी रो रही थी तो बकरी का बच्चा जो भेड़िया से बच गया था उसके पास आया। मामी, क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? एक भूखा भेड़िया भेस बदल के हमारी दादी की शक्ल में आया था। उसने हम सबको किडनैप कर लिया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। बकरी का बच्चा और बकरी भेड़िया के घर की तरफ निकल पड़े। जब वो घर में आए तो उन्होंने बकरी के बच्चों की आवाज सुनी। ये तो भेड़िये का घर है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी मेरे बच्चे। बकरी और बकरी के बच्चे ने एक मंसूबा बनाया जिसकी मदद से वो बच्चों को बचा सकें। वो दोनों दरवाजे पर खड़े हुए और अपने हाथों से एक भालू की परछाई बनाई। घर के अंदर भेड़िया उन बच्चों को बस खाने ही वाला था लेकिन उसने भालू की परछाई देखी। अरे ये क्या है, ये तो भालू लग रहा है। मैं एक बहुत बड़ा और भूखा भालू हूँ, यहाँ जरूर एक भेड़िया होगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। भागो। भेड़िया ये सोचकर बहुत डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा और वो भागने लगा। नहीं, कोई मेरी मदद करे, भालू 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 मुझे खा जाएगा, भागो भागो। भेड़िया को भागते देखकर बकरी के बच्चे बाहर आए और अपनी अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी अम्मी, आप आ गई, आ गई, आप आ गई। और उसके बाद बकरी और बकरी के बच्चे जंगल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे, भेड़िये से बहुत दूर।